सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे अक्षर क, लेटर क। क से कबूतर, कबूतर मींस पिजन। क से कमल, कमल मींस लोटस। क से कछुआ, कछुआ मींस टॉर्टाइस। क से कलश, कलश मींस मेटल पॉट। अब हम जानेंगे कबूतर के बारे में। नाउ वी नो अबाउट पिजन। कबूतर एक सुंदर पक्षी है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। पिजन इज ए ब्यूटिफुल बर्ड फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कबूतर पक्षी का मुख्य भोजन अनाज, फल, दाल और बीज है। द मेन फूड ऑफ पिजन बर्ड इज ग्रेन्स, फ्रूट्स, लेंटिल्स एंड सीड्स। कबूतर एक शांत स्वभाव का पक्षी होता है। ए पिजन इज ए क्वाइट बर्ड। अब हम जानेंगे कमल के बारे में। नाउ वी नो अबाउट लोटस। कमल भारत का एक राष्ट्रीय फूल है। लोटस इज ए नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। कमल गुलाबी रंग का होता है। लोटस इज पिंक इन कलर। अब हम जानेंगे कछुए के बारे में। नाउ वील नो अबाउट टॉर्टाइस। कछुआ एक ऐसा जीव है जो जमीन पर भी चलता है और पानी में भी तैरता है। ए टॉर्टाइस इज ए क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन लैंड एंड ऑल्सो स्विम्स इन वॉटर। कछुए के चार पैर होते हैं। ए टॉर्टाइस हैज फोर लेग्स। अब हम जानेंगे कलश के बारे में। नाउ वील नो अबाउट मेटल पॉट। कलश सुशुभ कार्य में काम आता है। मेटल पॉट इज यूज्ड इन ऑस्पिशियस वर्क। कलश अलग अलग आकार के होते हैं। द मेटल पॉट इज ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी रिलेटेड टू लेटर क। एक कृष्णराज नाम का राजा था। देयर वॉज ए किंग नेम्ड कृष्णराज। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान राजा था। ही वॉज वेरी काइंड एंड इंटेलिजेंट किंग। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। He cared a lot for his people. परंतु एक समय उसके राज्य में बहुत सूखा पड़ गया। But at one time there was a drought in his kingdom. बारिश न होने के कारण फसलें सूख गई और पीने को पानी भी नहीं मिला। Due to the lack of rain, the crops dried up and also they did not even get drinking water. लोग, जानवर, पशु पक्षी भूख प्यास से मरने लगे। पीपल एनिमल्स बर्ड्स स्टार्टेड डाइंग ऑफ द थर्स्ट। तब उसने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उस समस्या का समाधान देगा मैं उसे 1,000 सोने की अशर्फियां दूंगा। देन ही मेड ए डिक्लेरेशन इन द स्टेट दैट हूएवर गिव्स ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम आई विल गिव हिम 1,000 गोल्ड। तब वहां एक कबीर नाम का आदमी आया। देन देयर केम ए मैन नेम्ड कबीर। उसने राजा को कहा कि अगर हम राज्य में बहुत से तालाब और कुएं खुदवा देते हैं तो समस्या दूर हो जाएगी। ही टोल्ड द किंग दैट इफ वी डग मेनी पॉन्ड्स एंड वेल्स इन द किंगडम देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। द किंग ऑर्डर्ड दिस टू हैपन। राज्य में तालाब और कुएं खुदवाए गए। पॉन्ड्स एंड वेल्स वर डग इन द किंगडम। काफी समय बाद वहां बारिश हुई। तब तालाबों में पानी भर गया
जिससे वहां बहुत से कमल खिल गए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम देयर वॉज अ रेन, देन द पॉन्ड्स गॉट फिल्ड विद वॉटर कॉजिंग मेनी लोटसेस टू ब्लूम देयर। पशु पक्षी जैसे कबूतर तालाब में पानी पीने आने लगे। एनिमल्स बर्ड्स लाइक पीजन स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। वहां बहुत से कछुए भी थे। देयर वर ऑल्सो मैनी टॉर्टाइस। और लोग कलश में पानी भरकर घर ले जाने लगे। देयर वर ऑल्सो मैनी टॉर्टाइस एंड ऑल्सो पीपल यूज टू फिल वाटर इन द पॉट एंड टेक इट एट होम। इसी तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। That's how everyone started living happily. तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में आपदाएं आती रहती हैं, हमें उनका हल पहले से सोच कर रखना चाहिए। So the moral of the story is, problems keeps coming in life, we should think about it in advance. अब हम जानेंगे अक्षर क को कैसे लिखते हैं। Now we'll know how to write letter K. एक, दो, तीन, चार। One, two, three, इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है। इन दिस वी डू नॉट हैव टू राइट ऑन रेड लाइन, वी हैव टू राइट ओनली ऑन ब्लू लाइन। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे नए अक्षर के साथ। बाय बाय।